अब तक आपने देखा, लो बन गया चिराग काली दुनिया का राजा। चिराग, चिराग, विद्या भाभी, चिराग आंखें क्यों नहीं खोल रहे? दिवा, दिवा, ताई माँ बोलिए चिराग को क्या हुआ है? यशोधन जी ने पार्टी में से चिराग का अपहरण किया और उसे यहाँ यहाँ ले आए थे। ये वो चिराग नहीं है विद्या जो तुम समझ रही हो, ये अब मेरा चिराग है, हमारा राज। भाभी, जब से चिराग घर पे आया है एक शब्द भी नहीं बोला। अपनी काँव काँव बंद कर, अगर मेरे चिराग को गुस्सा आया तो तेरी खैर नहीं। देवांग, आप कहाँ हैं? रास्ते में हूँ विद्या, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पुलिस से खबर मिली है कि यशोधन वही जंगल में मिला है जहाँ चिराग हमें मिला था। वो सब बेहोश है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। मैं हॉस्पिटल में ही रुकूंगा। जब तक यशोधन मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं दे देता है ना विद्या, तब तक मैं वहीं बैठा रहूंगा, लौटूंगा नहीं। रात के 3 बज रहे हैं। यही वक्त है शैतानी ताकतों के जागने का। उठो मेरे चिराग, उठो मेरे शैतानी दुनिया के राजा, उठो, उठो और दिखाओ अपनी शक्तियां। उठो मेरे चिराग, उठो। चिराग, 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 गुड मॉर्निंग बेटा। क्या कर रहे हो? चिराग, चिराग तुम अंदर जाओ। शिकार मुबारक हो। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि मजा आ रहा है ना? ये तो एक शुरुआत है, इसके आगे बड़े बड़े काम करने हैं आपको। अब इस घर में ऐसे ऐसे कारनामे होंगे जिसके बारे में इस घर के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस घर का कुलदीपक,
बन चुका है कुलनाशक। इसे जल्दी से दफना दीजिए। अगर चिराग ने देख लिया ना तो वो डर जाएगा। चिराग, ऐसे किसी की मौत पर हंसते नहीं है। मैंने कहा ना हंसना बंद करो। चिराग की हंसी आज कुछ अलग थी। मैंने आज तक उसे ऐसे हंसते हुए नहीं देखा। सर आप खामा खा परेशान हो रहे हैं, घर जाके आराम कीजिए। मिस्टर यशोधन को होश आते मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नहीं, जब तक यशोधन से मैं ये नहीं जान लेता कि इन्होंने मेरे बेटे के साथ क्या और क्यों किया, मुझे चैन नहीं आएगा। बापूजी, अल्पेश भाई, आप लोग घर जाइए, मैं बाद में आऊंगा। बेटा, जो कुछ भी हुआ उसका गुस्सा हम सबको है, लेकिन इस वक्त विद्या को तेरी जरूरत है और सबसे ज्यादा चिराग को तेरी जरूरत है। उस बेचारे पे पता नहीं क्या क्या बीता है। चल बेटा, चिराग के लिए घर चल। हाँ देवा, बापूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंस्पेक्टर, यस सर। जब तक यशोधन को होश नहीं आता आप यहीं रहेंगे। इन्हें जैसे ही होश आएगा आप तुरंत मुझे फोन करेंगे। यस सर। और एक बात का ध्यान रहे कि इनसे कोई और बात नहीं करेगा जब तक मैं ना कर लूं। यस सर। नहीं नहीं विद्या, चिराग किसी और बात में हंस रहा था। लेकिन भाभी, हंसने वाली कोई बात ही नहीं थी। आपको पता है कुछ महीने पहले चिराग ने एक कुत्ते के पैर पे चोट लगी देखी और चिराग इतना मायूस हो गया, उसने तुरंत रोना शुरू कर दिया। कहने लगा कि उस डॉगी को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जा, उसका इलाज करा। और जब तक उसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए, अभी उसने खाना तक नहीं खाया। जो बच्चा किसी का दर्द देख के रोने लगता था, वो आज कौवे की मौत में फंस कैसे सकता है। और उसकी हंसी भी बहुत अजीब थी भाभी। तुम लोग ऐसी डरावनी बातें मत करो। अब तो कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो में भी हंसेगा ना तो भी मुझे डर लगेगा। अनर्थ हो गया शीला बाओ, अनर्थ हो गया। क्या हुआ माँ? अरे तुम में से किसी की नजर नहीं पड़ी क्या? हमारे आंगन में जो तुलसी का पौधा है वो अचानक सूख गया। क्या? कैसे? कल तक तो ठीक था। वही तो माँ, यहाँ कौवे की मौत हो गई, आप पौधे की टेंशन ले रही हो। कौवे की मौत? हाँ, कल तक जो कौवा काव काव कर रहा था ना वो मर गया है और चिराग उस पर हंसे जा रहा था। हे माँ, एक के बाद एक अपशुकन। तुलसी का पौधा सूख गया, कौवे की मौत हो गई, एक साथ दो दो अमंगल घटनाएं। जरूर कोई बुरी नजर डाले बैठा है हमारे घर पर। ये मिली कहाँ है? मिली, मिली जी काकी। मिली देख, अब भगत को साथ लेकर है ना, अब महाआरती की तैयारी कर लेना। शाम को घर में महाआरती होगी। महाआरती? इस घर में जो भी अनिष्ट तत्व है उन्हें बाहर निकालना ही होगा, इसीलिए हम शाम को महाआरती करेंगे। ठीक है माँ, आपको जैसा सही लगे आप कीजिए, बस अपने मन को शांत रखिए। अरे बेटा, मुझे शांति तभी मिलेगी जब इस घर में शांति होगी। मिली तू चल मेरे साथ, चल चल। भाभी आप भी बा के साथ जाइए, उन्हें संभाल लीजिए। शनाया भाभी, आपको माँ के सामने कौवे की बात नहीं करनी चाहिए। ओ कम ऑन विद्या, बा को मैं नहीं बताती, कोई और बता देगा। एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था, इसमें क्या तुम इतना बा को नहीं बताना चाहिए था? अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं मैं? एक तो अल्पू भी घर पे नहीं आया है। एनीवेज, पता चला यशोधन जी को होश आया कि नहीं? नहीं, अब तक यशोधन जी को होश नहीं आया। ओफो, कब उन्हें होश आएगा और कब पता चलेगा कि आखिर जंगल में हुआ क्या था?
बापूजी, जंगल में जो कुछ भी हुआ उसका सच सिर्फ यशोदन जी जानते हैं, और अगर ये सच हमें बताने से पहले उन्हें कुछ हो गया तो ये राज हमेशा के लिए उनके साथ ही चला जाएगा। जो कुछ भी हो रहा है उससे यही साबित होता है कि वो दोषी है, लेकिन उन्हें कसूरवार ठहराने से पहले हमें उनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। अगर वो अपनी बात हम तक नहीं पहुंचा पाए तो? मैं उन्हें बरसों से जानता हूं अल्पेश, अपनी बात हम तक पहुंचाने का कोई ना कोई तरीका उन्होंने जरूर चुना होगा। सुनिए मेरे गुरुजी, वो काफी समय से लापता है, मैं उन्हें सारे अस्पतालों में ढूंढ रहा हूँ, क्या वो यहाँ एडमिट है? क्या नाम है उनका? यशोधन। मैं आपको एक मिनट देख के बताती हूँ, यशोधन। हाँ, यशोधन नाम का एक पेशेंट है, यहाँ आईसीयू में एडमिट है। ये लीजिए। मिली, जाके शोरूम से थाली और झांझ लेके आ जा। हाँ जी। पूरा ने जमाने का सिक्योरिटी सिस्टम है, बुरी नजर से बचने के लिए या नींबू मिर्ची। ए, जब से चिराग का बदला हुआ रूप देखा है ना, सच बोलूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। वो हाँ, इसीलिए काकी बा महाआरती रखवाने वाली है। चलो मैं आज की थाली लेके आती हूँ। रुक रुक, क्या किधर जा रही है? पहले ये तो बांध ले। ये ले, बांध। ये क्या है? ये सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, बुरी नजर से बचने के लिए ये सुरक्षा कवच। कुछ अरे नहीं सुनाया भाभी, पहले के जमाने में है ना, घर गाड़ी दुकान सबको नजर से बचाने के लिए ये नींबू मिर्ची इस्तेमाल करते थे। सच बोल रहे हो क्या तुम लोग? 100% सच्ची बात है। देखो ये अपना चिराग है ना, इसको बुरी नजर लग गई है ना, तो देखो कैसे एक मिनट के अंदर इसकी नजर उतर देता हूँ मैं। ए चिराग दिख रहा ये? इतना गुस्सा नहीं बेटा, सब लोग मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। गुस्सा तो आएगा ही ना, चिरांग देवांग भाई का बेटा है, अंधविश्वास में नहीं मानता, इसीलिए गुस्सा आ गया। चिरांग तुम कहने जानते हो? ये मेरे गुरुजी हैं। क्या हुआ इन्हें? इनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, फिलहाल बेहोश हैं। इन्होंने कलेक्टर साहब के बच्चे चिराग का किडनैप किया था। चिराग का अपहरण? लेकिन अगर गुरुजी यहाँ है तो चिराग कहाँ है? क्या तुम जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? ए! तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी तुम इनसे नहीं मिल सकते, बाद में आना। गुरुजी को कुछ हो गया तो उनके बाद सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ। अभी अगर मैं कहूँगा कि गुरुजी चिराग को बचाने गए थे तो कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। समय को अपना काम करने दे, समय ही सच सबके सामने लाएगा। हे ईश्वर, गुरुजी की रक्षा करना। और ये देखो, प्लेन आया आया और ये चिराग के पेट। अरे विद्या भाभी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं खिला देती हूँ ना खाना चिराग को। इसमें तकलीफ की क्या बात है,
अपने बच्चे को खाना तो खिला रही हूँ, आज मैं इसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आज ना मैंने इसके सारी फेवरेट चीजें बनाई हैं। चलो चलो मुंह खोलो, चलो। चिराग, क्या हुआ बेटा? इसकी शक्तियां आने के बाद ये चिराग का पहला भोजन है। ये तुम्हारा दिया हुआ घास फूस थोड़े ना खाएगा। मैं जानती हूँ इसे क्या खाना है। चिराग, मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें बनाई है, अच्छी नहीं बनी है? ठीक तो बनी है। चिराग, बात क्या है? तुम मुझसे नाराज हो क्या? बोलो। तुम अभी भी डरे हुए हो, कुछ तो बोलो, तुम्हारे दिल में क्या है? चिराग, मुझसे बात करो, क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हो बेटा? यहाँ देखो, बताओ ना, बात क्या है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? इसके नाखून देखिए, जन्मदिन से पहले तो काटे थे, दो दिन में इतने कैसे बढ़ गए? हाँ, और देखिए ना, कैसे अजीब से है। ए भाभी, विद्या भाभी, चलिए, सब आपको बुला रहे हैं, महाआरती शुरू हो गई है ना, चलिए। ठीक है, चलो चिराग। चिराग, चलो। मुझे नहीं जाना। चिराग, जाना पड़ेगा, माँ आरती हो रही है, चलो। मुझे नहीं जाना। चिराग, जिद मत करो, चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना। मैंने कहा ना, चलना पड़ेगा, आ जाओ, चलो। सबसे पहले माता जी की प्रार्थना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु सद्बुद्धिरूपेण संस्थिता। चिराग, क्या कर रहे हैं आप लोग? इसकी तबीयत तो ठीक है। प्लीज बंद करो ये शोर, बंद करो, मैं नहीं सुन सकता, बंद करो, मेरे कान दुखते हैं, मेरा सर फटता है, बंद करो ये शोर। पंडित जी, बंद करिए पूजा, बंद करिए, मैं कह रहा हूँ आपसे। देवांग, पूजा बंद नहीं होगी, वैसे भी इस घर में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है, ऊपर से चिराग ने पूजा में विघ्न डाल दिया। ये अनुष्ठान नहीं रुकेगा। पंडित जी, आप अनुष्ठान चालू रखिए। जी।